इन दिनों पूरे देश में मकर संक्रांति की तैयारी जोरों पर चल रही है। मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी दिन शनिवार शाम 8:20 से प्रारंभ हो रहा है, जो 15 तारीख रविवार के दिन मकर संक्रांति का महापर्व पड़ रहा है। मकर संक्रांति के दिन घर घर में खिचड़ी बनाई जाती है। लोग जगह जगह पर स्टॉल लगाते हैं, खिचड़ी का दान देते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर मकर संक्रांति के दिन ही खिचड़ी क्यों बनाई जाती है, खिचड़ी का दान क्यों किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। दरअसल मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और दान देने को लेकर बाबा गोरखनाथ की ये कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है जब खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस दौरान हाहाकार मच गया था। नाथ संप्रदाय के योगियों को उस समय युद्ध के दौरान खाना बनाने का टाइम नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से वह युद्ध में कमजोर होते जा रहे थे। या यूं कहा जाए, जब उनको खाना नहीं मिल रहा था तब वह कमजोर हो जाते थे। उस समय बाबा गोरखनाथ ने दाल चावल और सब्जी को एक साथ मिलाकर खाना बनाने की सलाह दी, जिसमें आसानी से जल्दी भोजन सबको मिल सके और शरीर में ऊर्जा आ जाए। तब उस दौरान बाबा गोरखनाथ ने एक साथ बने चावल दाल और सब्जी को खिचड़ी नाम रखा, जिसे लोग मकर संक्रांति के दिन बनाने लगे। वह प्रथा आज भी चली आ रही है। जानिए क्या कुछ कहा ज्योतिषाचार्य पंडित कल्की राम ने। मकर संक्रांति पर खिचड़ी ही क्यों खाई जाती है, अन्य चीजों की मान्यता क्यों नहीं है? मकर संक्रांति काल में एक साथ चार चार ग्रहों की अनुकूलता का अवसर हमारे सामने होता है, इसलिए खिचड़ी की मान्यता है। खिचड़ी में चावल का संबंध चंद्रमा से, काली उड़द का संबंध श्री शनिदेव से, हल्दी का संबंध गुरु से और हरी सब्जियों का संबंध बुध से होता है, इसलिए हम मकर संक्रांति में खिचड़ी ही खाते हैं। और प्रायः इन्हीं वस्तुओं का दान भी दिया जाता है। गुड़ का संबंध भी गुरु से ही होता है, इसलिए मकर संक्रांति पे खिचड़ी का सेवन अनिवार्य है।